अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई और बच्चों आप लोग। आज मैं आपको अपनी और अपवर्क की लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी मज़ेदार लव स्टोरी है, एंड तक देखें आपको मज़ा आएगा। ये लव स्टोरी स्टार्ट होती है अबाउट 6 to 7 months बिफोर, जब मैंने स्विच किया था फ्रॉम फाइवर टू अपवर्क। और अपवर्क मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। अपवर्क पे मैंने बहुत जल्दी ग्रोथ मिली मुझे, और मैंने बहुत जल्दी टॉप रेटेड फ्रीलांसर का बैच लिया। अभी मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड हूँ। बट अपवर्क ने ना मेरे साथ धोखा किया। किस तरह धोखा किया ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अपवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने, मेरा चैनल ऑल्दो छोटा सा है बट मैंने सबसे ज़्यादा अपवर्क को प्रमोट किया अपनी वीडियोज में। मतलब मेरे चैनल में अगर कोई परसेंटेज देखी जाए तो अपवर्क की प्रमोशनल वीडियोस की सबसे ज़्यादा है। उसमें मेरा अपना वो था, बिकॉज आई लव अपवर्क। अपवर्क मेरा सेकंड लव है मेरी वाइफ के बाद, तो आई स्टिल लव अपवर्क। और मैंने अपवर्क को बहुत प्रमोट किया जितना मैं कर सकता था, बिकॉज मैं चाहता था कि जो बच्चे हैं, जो नए आने वाले बच्चे हैं, वो अपवर्क पे आए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के वो अपवर्क पे आए। बिकॉज आई यू नो आई फाउंड इट अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। बट हुआ ये कि अबाउट 3 weeks बिफोर अपवर्क से मुझे एक ई मेल रिसीव हुई विद टिकट। ई मेल मुझे ये प्रोफेशनल जो मेरा अपवर्क का ई मेल अकाउंट है उस पर रिसीव हुई। उसमें एक टिकट था। जब मैंने टिकट देखा तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हुई थी मेरी और अपवर्क की, अपवर्क पे। और उसमें ये था कि उन्होंने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को मेंशन करके कहा था कि आप हमारे थंबनेल्स, आप अपने थंबनेल्स पे हमारा लोगो यूज़ कर रहे हैं, इसको आप रिमूव कर दें। मैंने कहा ठीक है। मुझे वैसे ये बड़ा अजीब लगा कि मेरा उन्हें YouTube चैनल कैसे पता चला, बिकॉज मेरा जो YouTube चैनल है वो एक अलहदा ईमेल एड्रेस से बना हुआ है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे अपवर्क वाले ईमेल एड्रेस से। उन्होंने किस तरह ट्रेस किया मुझे नहीं पता, बट उन्हें चाहिए था कि मेरे YouTube वाले ईमेल एड्रेस पे मुझे कॉन्टैक्ट करते और वहाँ आके मुझे कहते। बट उन्होंने वहाँ अपवर्क पे टिकट रेज किया और अपवर्क पे ही मुझे कहा कि विद इन 7 days आप हटा दें हमारे एसेट्स को अपने थंबनेल से, सारे थंबनेल्स जो भी वीडियोस के हैं उनसे हटा दें, अदरवाइज वी विल टेक यू नो लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें हटा दिया, मैंने सारे थंबनेल्स को टेक्स्ट में चेंज कर दिया, सारे थंबनेल से मैंने लोगोज को हटा के टेक्स्ट से अपवर्क लिखा। और टेक्स्ट से अपवर्क लिखने के बाद बट मैंने ये किया कि मैंने उनका कलर स्कीम लिया, जैसे अप और वर्क, आप अगर लोगो देखें अपवर्क का तो उन दोनों का डिफरेंट कलर स्कीम है, मैंने सेम कलर स्कीम ले लिया, यूज टेक्स्ट किया। अब मैंने अपवर्क को रिप्लाई किया ईमेल में कि मैंने हटा दिया है, मैंने टेक्स्ट चेंज, इंस्टेड ऑफ लोगोज अब मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है अपने थंबनेल्स में, आप चेक कर लें। उन्होंने चेक करने के बाद मुझे दोबारा ईमेल किया और इस दफा उन्होंने, आप ये देखें, प्रॉपर जो है वो दिखा के हाईलाइट करके मुझे लोगोस को दिखाया, और प्लस उन्होंने एक वीडियो का यूआरएल भी मेरे साथ शेयर किया, मेरी वीडियो का। और उन्होंने कहा कि आप इनको हटाएं, जो आपने कलर स्कीम्स ली हैं ये भी वायलेशन है हमारी जो है कॉपीराइट की, तो आप इन कलर स्कीम्स को भी हटाएं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में आप अपवर्क लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपवर्क कलर स्कीम्स नहीं ले सकते। सेकेंडली उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो वीडियो है इसमें आप ये बता रहे हैं कि अपवर्क का अकाउंट किस तरह से हम बाईपास कर सकते हैं, अपवर्क का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विच इज अ सीरियस वायोलेशन, तो आप इस वीडियो को प्राइवेट नहीं करेंगे, आप इस वीडियो को डिलीट करेंगे तो हम मानेंगे कि आपने वीडियो को हटा दिया है, आप अगर वीडियो को प्राइवेट करेंगे तो हम फिर भी लीगल एक्शन लेंगे। मुझे ये बड़ा जो है अब्यूजिंग लगा कि अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा तो मेरे व्यूज और मेरे जो वॉच टाइम है वो बचता, बट उन्होंने मुझे कहा कि इसे डिलीट करो। एनी हो, सेकेंडली वो मुझे कर रहे हैं मेरे अपवर्क के जो अकाउंट पे कॉन्टैक्ट, तो मैं वहाँ टॉप रेटेड हूँ, तो अगर मैं उनसे कोई यू नो करता हूँ तो मेरी वो प्रोफाइल भी गई और चैनल पे, तो वो आके वो डेफिनेटली क्लेम कर ही सकते थे। एनी हो, मैंने वीडियो को डिलीट किया
और मैंने सिंपल अभी अगर आप जाके मेरी अपवर्क की प्लेलिस्ट में देखें, बाय द वे मेरी अपवर्क और फाइवर की सेपरेट प्लेलिस्ट हैं, वो सारी आप चेक कर लें, उनमें बहुत काम की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो बहरहाल मैंने वो अपवर्क की प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, सारे के सारे थंबनेल्स को मैंने प्लेन ब्लैक में कर दिया और उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मैंने अपवर्क को ईमेल दोबारा की कि मैंने सब डिलीट कर दिया है। मैंने कुछ आर्गू नहीं किया उनसे कि मैं आपकी ही प्रमोशन कर रहा था, आपको ही प्रमोट कर रहा था, इस प्लेटफॉर्म को ही प्रमोट कर रहा था। बहरहाल तो नए आने वाले यूट्यूबर्स को मेरा मशवरा है कि वो बड़े फ्रीलांसर्स को ना देखें कि उन्होंने क्या किया हुआ है। अगर उन्होंने वो वीडियोस बनाई हुई हैं कि अपवर्क का अकाउंट कैसे अप्रूव करते हैं, बिकॉज बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स ने भी वो वीडियोस बनाई हुई हैं, तब तक वो बचे हुए हैं जब तक अपवर्क ने उन्हें नहीं पकड़ा। अपवर्क पकड़ लेगा तो वो अपना कॉन्टेंट हटवा लेंगे और आपका सारा जो व्यूज़ हैं वो ज़ाया हो जाएंगे जब आपको वीडियो वो डिलीट करनी पड़ेगी। तो कीप इन माइंड, मेरे साथ जो हुआ शेयर करने का पर्पज़ ये था कि वो आप लोगों के साथ ना हो। आप लोग अवॉइड करें, अपवर्क का लोगो यूज़ ना करें, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में यूज़ करें, और आप वो वाली वीडियो ना बनाएं कि अपवर्क का अकाउंट कैसे अप्रूव किया जाता है। आई स्टिल लव अपवर्क और मैं अपवर्क से प्यार करता रहूँगा, बिकॉज़ आई स्टिल बिलीव कि अपवर्क जैसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड टू कीप वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।